हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉलीवुड मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान की अपकमिंग फिल्म महाराज के बारे में। तो वीडियो पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर कई खबरें सामने आ चुकी हैं। वे लंबे समय से थिएटर में एक्टिव हैं और डेब्यू के लिए फिल्म तलाश रहे हैं। कई बार वे रोल के लिए ऑडिशन में रिजेक्ट भी हो चुके हैं। अब खबरें आ रही है कि जुनैद के हाथ एक फिल्म लग गई है, इसी से वे अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। खबरों के अनुसार जुनैद यशराज मेनन की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम महाराज बताया जा रहा है और इसे रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। ये साल 1862 के एक मशहूर बाबा पर आधारित होगी। ये फिल्म एक सच्चे केस पर बेस्ड होगी। इस केस में एक पाखंडी बाबा मशहूर जर्नलिस्ट और समाज सेवी करसनदास मुरली जी पर उनके संप्रदाय और बदनाम करने का आरोप लगाएगा। फिल्म में पत्रकार का रोल जुनैद खान करेंगे। वहीं इस फिल्म में पाताल लोक फैन जयदीप अहलावत भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। जयदीप एक विलेन का रोल करेंगे। वेल दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।